मतलब जो जीवन साथी आपको चाहिए वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं घर जमाई बनके वो आपके साथ में जीवन यापन व्यतीत करें। मैम प्रेजेंट टाइम में आपकी क्या है? तो गरीब रहेंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। दोस्तों आज आए हैं आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसा रिश्ता लेकर जिसके पिछले काफी समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई साहब कोई घर जमाई रिश्ता हो। तो दोस्तों आज एक इतनी खूबसूरत सी प्रोफाइल आप सभी लोगों के बीच में मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की इस प्रोफाइल का एक ड्रीम्स हुआ करता हो, कि सपना हुआ करता हो कि कहाँ से ऐसी कोई प्रोफाइल मिले। तो आइए मैम से पूरी जानकारी आपके साथ में हम साझा करते हैं, कहाँ का रिश्ता है, कैसा उनको जीवन साथी चाहिए, कैसी कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये सारी चीज़ें कहीं कहीं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। वीडियो पसंद जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मैम के साथ में शादी विवाह फ्यूचर में चल के आप रिश्ता वगैरह करना चाहते हैं तो इसके भी सिलसिले में आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी ब्रांच आ सकते हैं, संस्था आ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मैम के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है और मैम अभी आ चुकी है, पिछले काफ़ी समय से हम लोग वेट कर रहे थे, तो मैम फिलहाल आ गई हैं अपने कार में। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप पूरी जानकारी। सो दोस्तों अभी जैसे आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये मैम की कार है और भाई साहब मैम के ड्राइवर्स हैं। एक बार कैमरामैन थोड़ा आप सारी चीज़ें जो है एक बार शो कर दीजिए। तो पिछले काफ़ी समय से हम लोग वेट कर रहे थे मैम का कि मैम आए, लेकिन थोड़ा ट्रैफिक था रेलवे क्रॉसिंग पे तो उसकी वजह से मैम नहीं आ पाई। तो अभी फिलहाल मैम आ चुकी हैं और आपकी मैम की जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा कर देते, ताकि जिस भी व्यक्ति को ये प्रोफाइल पसंद आती है, आप इनके मतलब रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं, तो डेफिनेटली आप शादी विवाह के रिश्ते के सिलसिले में मैम से संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैम सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रिश्तों की दुनिया पे, जहाँ जी जहाँ पे आपने इतना भरोसा विश्वास जताया और इन्वाइट किया कि सर आप आ सकते हैं हमारे यहाँ और हमारी बातों को आप सोशल मीडिया रख सकते हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मैम जो आपने पर्सनल जो जानकारी हमें बताया था अपने बारे में, एक बार चाहेंगे कि एक बार आप कैमरे के सामने बता दीजिए, ताकि देखिए क्या है कि आपने पर्सनल जानकारी हमें बताया तो उससे एक हमारी लिमिट होती है कि हम 10-20 लोगों से आपके रिश्ते के बारे में सिर्फ जानकारी साझा करेंगे, और उनमें से जो व्यक्ति आपसे शादी विवाह के रिश्ते के बारे में बातचीत करना चाहेंगे उनसे ही करवाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम आपकी बातें साझा कर रहे हैं तो इसमें ऑप्शन ज्यादा होते हैं जी। आपको जहां 10 लड़के देखने को ऑप्शन मिलता था, अभी आपको 1000 लोगों को ऑप्शन मिलेगा देखने, उसमें से आप बेहतर जीवन साथी कौन सा आपके लिए है सिलेक्शन करने में आपको मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, जैसे आपका नाम क्या है? मैं हूँ रोली राज। दोस्तों मैम का नाम है रोली राज, आपने बताया ना जी, रोली रोज, ठीक है। उम्र मैम प्रेजेंट टाइम में आपकी क्या है? 23 साल। 23 इयर्स उम्र है जी, ठीक है। आप प्रोफेशन से सर, आपके पिताजी ने बताया कि आप भी एक डॉक्टर हैं जी, अपना तो, क्लिनिक चलाते हैं। अच्छा, आप मतलब पहले पिताजी क्लिनिक चलाते थे, अभी उसके बाद फिर आप भी चला रहे हैं जी? ओके ठीक है। और आपकी उम्र 20 कितना बताया? 23 जी, 23 इयर्स है ना। प्रोफेशन आप भी एक प्रकार से डॉक्टर का ही प्रोफेशन, फ्यूचर में भी आप चाहती है वही ग्रहण करें, फिलहाल अभी भी वही आपका निर्वाहन हो रहा है। चलिए ठीक है, आपके राज्य का क्या नाम है? जौनपुर जिला। जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश का, यूपी राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। जौनपुर जिले में कौन सा ये आपका मतलब गाँव है, गांव कहे या इसको शहर कहे? हम शहर ही एक प्रकार से, शहर ही है। जौनपुर तो दोस्तों एक प्रकार से सिटी है, शहर है जौनपुर जी, मतलब गांव अलग अलग होता है। हाँ, गांव तो अपना अलग अलग होता है जी। जो जीवन साथी आपको चाहिए किस प्रकार का, मतलब कैसा होना चाहिए, आपकी तरह वो भी पढ़े लिखे ही होना चाहिए, या फिर मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है शिक्षा है वो तो चलिए डॉक्टर के मतलब डॉक्टर वाला प्रोफेशन से, तो दूसरा कोई व्यक्ति जैसे टीचर हो गया, मास्टर हो गया, या फिर एडवोकेट है, वकील है, इंजीनियर है, इनमें भी इंटरेस्ट है या सिर्फ आपको भी जीवन साथी डॉक्टर वाला ही चाहिए होना चाहिए? नहीं मतलब कोई भी रह चलेगा हमें, पर अच्छे से मतलब अच्छे व्यवहार वाले हों, हमारे माँ बाप का भी ख्याल रखें, हमारा भी ख्याल रखें जी, क्योंकि हमारे भाई बहन कोई नहीं, मैं अकेली हूँ जी जी, बस उनको हमारे साथ रहना है ससुराल में उनको जी।
मतलब जो जीवन साथी आपको चाहिए वो एक प्रकार से कहीं न कहीं घर जमाई बनके वो आपके साथ में जीवन यापन व्यतीत करें। जी हाँ, ये चीजें तो पिताजी ने आपके बताया था, हमने वीडियो में स्टार्टिंग बताया कि ये जो रिश्ता है एक प्रकार से घर जमाई टाइप का ही है। और उनके पास क्वालिफिकेशन, शिक्षा, पैसा या फिर अपना कोई धंधा बिजनेस होना ऐसा इम्पोर्टेंट है? ये मतलब हाँ, मतलब पढ़े लिखे रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना है कि हमारे साथ तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी तो मतलब हम लोग का इज्जत करें, मतलब आज के डेट में ऐसा नहीं हो कि शराब पीते हो, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए कभी उनमें। हम लोगों की इज्जत करें, सही से रहें, हमारे साथ रहना पड़ेगा उन्हें। मैम देखिए, ये जो लॉयल्टी है, मतलब इस प्रकार के जो रिश्ते हैं जी या घर परिवार जो मिलता है वो कहीं ना कहीं एक आपको उच्च स्तरीय जो जीवन यापन जो लोग जीते हैं उनके अंतर्गत ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर व्यक्ति के पास पैसा आना, पैसा आने के बाद फिर वो व्यक्ति उसके अंदर से इंसानियत निकल जाती है। तो ये आपको एक समझ लीजिए गरीब परिवार के अंतर्गत ही मिलेगा, या तो फिर परिवार के अंदर बहुत अच्छा संस्कार हो जो बच्चों को दिया जाता है, या गार्जियन के अंदर हो तो फिर वो बच्चों को ट्रांसफर करेंगे। जी। तो आप गरीब रहेंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमने इसके लिए आपको साफ असर बताया कि देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें, ये जो गुड़ है ना, ये गरीब परिवार के मिडिल क्लास परिवार का जो आदमी होता है, जो संस्कार से संपूर्ण तरह से उनके माँ बाप या उनके वातावरण जो इस प्रकार का होता है, तो वही इस प्रकार के व्यक्ति या जीवन साथी मिलने की संभावना। ओके, आजकल के डेट में जिस तरह से फैमिली वाले या फिर बहुत सारे जो शादी विवाह करना चाहती है मैम या फिर लड़कियां जो भी हम कहना चाहें, लोग अक्सर डिमांड करते हैं कि सर जो रिश्ता हो हमारी बहन या बेटी का वो किसी बड़े घर में नहीं होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारा परिवार हो, फिर क्योंकि वो समझ में आता ना कि फिर बाद में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना आगे चल के। जी हाँ। तो जिस तरह आपका छोटा परिवार है, मान लीजिए आप मम्मी पापा हैं और आप तीन लोग परिवार में हैं, तो कोई इसी तरह छोटा भी परिवार आपको चाहिए या फिर थोड़ी बड़ी फैमिली भी रहेगी? छोटा परिवार है तभी चलेगा, पर लड़का अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ और भी जो जानकारियां हैं वो कहीं कहीं मैम के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने रखना चाहेंगे। मैम अक्सर लोग कहते हैं कि जीवन साथी जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत खूबसूरत होना चाहिए, तमाम प्रकार के जैसे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं च्वाइस रखता है, तो इसी प्रकार से कोई आपकी भी बहुत इम्पोर्टेंट कोई ऐसी च्वाइस जिसके बारे में आप जानना चाहती हैं, समझना चाहती हैं या फिर बताना चाहती हैं ताकि हम आपके लिए एक बेहतर रिश्ता खोज सकें, जैसे लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर बड़ा छोटे घर में रिश्ता कहीं सेट हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में बताइए कि आपको कैसा घर परिवार चाहिए। चालू भैया कहीं जी परिवार छोटा होना चाहिए, पर लड़का मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा रहेगा तब भी चलेगा, पर नेचर का भी अच्छा होना चाहिए, ज्यादा शराब नहीं पिए, हमारा भी मतलब ख्याल रखे, हमारे परिवार का भी ख्याल रखे, क्योंकि वो तो हमारे साथ रहना है, ससुराल में ही रहना है, घर जमाई बन के। बिल्कुल जी। और क्योंकि मैं और मेरे पापा मम्मी है, तीन ही लोग हैं हम लोग, वो हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। मतलब जो जीवन साथी आपके लाइफ में आना चाहिए वो कहीं कहीं चेहरा, बॉडी, फेस ये बहुत इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखता, व्यक्ति का जो नेचर अच्छा होना चाहिए, दिल दिमाग से वो बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर मतलब कम पढ़े लिखे हैं या थोड़ा मिडिल क्लास या परिवार से आते हैं तो उसका भी कुछ इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब बिल्कुल अपना स्टेटस उनका स्टेटस सबका इक्वल रखना है कि आपका जो बैकग्राउंड हो डॉक्टर से बिलोंग करता है तो दूसरा वाला भी उसी प्रोफेशन से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं ना। बस ये है कि खासियत की सामने वाला व्यक्ति किसी प्रकार का कोई नशा वगैरह नहीं करता और ड्रिंक वगैरह नहीं करता। चलिए ठीक है, हम भरपूर प्रयास करेंगे किस प्रकार का कोई भी रिश्ता आप तक साझा ना करें। और आप से भी दोस्तों, आप सभी लोगों को कहना चाहेंगे जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए बात ये है कि आप तो हमसे कहेंगे कि रवि सर मैम के साथ हमारा रिश्ता करवा दीजिए, आपने बहुत कई बार ये चीज़ कहा है कि उस मैम से रिश्ता करवा दीजिए, उनसे करवा दीजिए, लेकिन दोस्तों हम क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब सामने वाले व्यक्ति की डिमांड रहती है, अभी जैसे मैम ने स्पष्ट कहा भाई साहब हमें किसी भी प्रकार का कोई नशा करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, अभी आपकी हैबिट है, आपकी आदत है, तो आप फिर उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते ना, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें देखा जाता है। ये वीडियो जो है स्पेशल आपके लिए शूट किया जा रहा है ताकि जो मैम की बातें हैं ठीक है वो हम आपके सामने रख सकें, जो अक्सर आप
लोग कॉल्स करते हैं और कहते हैं कि रवि सर आपने जो प्रोफाइल दिया उसमें कितनी परसेंट वास्तविकता सच्चाई है, क्योंकि कभी कभी होता है जो आपने आपके पिताजी ने आपका जो बायोडाटा भेजे थे अगर वो बायोडाटा हम सिर्फ साझा करते हैं, बायोडाटा पे सिर्फ जानकारी देते हैं और आपके लिए रिश्ता खोजते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो जो है बायोडाटा आदमी स्वयं भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकता है। लेकिन वीडियो में हमने इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट किया कि मैम कृपया आप आइए, बेशक हमें 10 मिनट का ही समय दीजिए, लेकिन अगर आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए भी समय दे देंगे तो हमारे लिए उतना इनफ है, उतना पर्याप्त है आपके लिए एक बेहतर जीवन साथी खोजने में। जी। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई एतराज तो नहीं कि हम आपकी ये वीडियो अगर हम सोशल मीडिया पर अपलोड करें? जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आप इसका परमिशन दे रही हैं? जी। ठीक है दोस्तों, मैम की जो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको स्क्रीन को माध्यम स्क्रीन पे हम आपको साझा कर देंगे, और आप में से जो भी व्यक्ति मैम की क्राइटेरिया को जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप इनसे शादी विवाह के रिश्ते के सिलसिले में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैम के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, चाहे आप घर मकान की बात करें, ठीक है, या फिर प्रोफेशंस की बात करें, पैसे की बात करें, गाड़ी घोड़े की बात करें, जो भी है एक बेहतर जीवन यापन जीने के लिए जो सारी सुख सुविधाएँ होती हैं वो ऑलरेडी मैम के पास है। लेकिन बस वही है कि पिताजी को इनके पिताजी को एक ऐसे मतलब अपनी बेटी के जीवन साथी के लिए तलाश है जो व्यक्ति ईमानदार हो, हॉनेस्ट हो, बहुत ज़्यादा कोई डिग्री डिप्लोमा क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट मायने नहीं है, बस ये है कि किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, व्यक्ति किसी प्रकार का कोई अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह नहीं मतलब लेता देता हो।